हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा का टिक्की या चूड़ा का टिक्की। इसके लिए एक कटोरा भिगो के चूड़ा ले लिए हैं और बाइंडिंग के लिए कुरकुरे के लिए एक कप सूजी और आलू एक है बॉईल करके कद्दूकस कर लिए हैं। थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ, एक कटोरा गाजर कद्दूकस किया हुआ, कैप्सिकम कद्दूकस किया हुआ, एक चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच है धनिया जीरा का पाउडर भुना हुआ और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3-4 हरी मिर्च कटी हुई और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे मैश कर लेंगे पूरा अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें सब डाल देंगे सब्जियां, गाजर, कैप्सिकम, अदरक, आलू कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्च, अब मसाले डाल देते हैं। चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और साथ में सूजी भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, मिक्स हो चुका है। अब इसे हाथ में तेल लेके आपको जो शेप देना हो आप इसे दे सकते हैं, जो शेप देना हो आप इसे दे सकते हैं। मैं गोल गोल बनाऊंगी। ऐसे मैं सारे बना लूंगी, उसके बाद सेल्फ फ्राई करूंगी। देखिए दोस्तों, सब टिक्किया हमने तैयार कर लिया है। अभी से तवे पे सेकेंगे। इसके लिए तवा हम लोग पहले से गर्म कर चुके हैं और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। अब इसको डाल के सेक लेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको पलट देंगे एक एक करके। देखिए दोस्तों, ये हमारा टिक्की बन चुका है। अब इसे निकाल देते हैं। हमारा पोहा का टिकिया तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। आप ऐसे ही बनाइए, बहुत टेस्टी बना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.